के मेरठ में 10 जनवरी को होगी महापंचायत। चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया था बड़ा ऐलान। जी हां मित्रों, आपको बता दें कि जिस तरीके से हाल ही में पार्षदों की पिटाई हुई, तो चंद्रशेखर आजाद ने आगाज कर दिया था कि अब मेरठ में दलितों की अस्मिता का मामला है, सम्मान का मामला है, ये संघर्ष है, इसमें निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। जिसका जमीर जिंदा है उन सबका स्वागत है। चंद्रशेखर आजाद ने आपको बता दें कि मेरठ में 10 जनवरी को दलितों की महापंचायत बुलाई है, जिसमें देश भर से दलित समाज के लोग एकत्रित होंगे। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है और पार्षदों की पिटाई के मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद और तमाम दलित समाज के लोग मेरठ में 10 जनवरी को महापंचायत करने वाले हैं। आप भी शामिल होंगे या नहीं, कमेंट करें। वहीं अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के वीएसपी प्रदेश अध्यक्ष शिषपाल सिंह ने दिया बड़ा बयान। बोले पांचों की पांचों सीटों पर लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। जी हाँ मित्रों, आप सभी को पता हुआ कि देश भर में बहुजन समाज पार्टी का मजबूत वोट बैंक है। इसी दौरान आपको बता दें कि उत्तराखंड से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष शिषपाल सिंह का बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि शिषपाल सिंह ने कहा कि पांचों की पांच जो लोकसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में, वहां